बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो 12th क्लास की मैथ है उसकी जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो बताऊंगा आप लोगों को। ये ऑब्जेक्टिव जब आप करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को मैथ के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और ये 12th क्लास की मैथ की इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। चाहे पंजाब बोर्ड के आपका कोई भी बोर्ड है, चाहे फेडरल बोर्ड है, ये सेम किताब है, एक ही किताब है। आप लोग सारे के सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। ये सामने नज़र अभी आपको ला रहा है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ द बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड डैश। ये आपके ऑब्जेक्टिव बन सकती है। नीचे भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नज़र आ गई होंगी। 11-10 तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव शो हो रही हैं। ये देखो 10 तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव शो हो रही हैं। इसके बाद नीचे देखते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों को अगर मज़ीद आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव करने के बाद और ऑब्जेक्टिव भी चाहिए तो और पार्ट टू भी बना दूंगा वीडियो, या बुक से भी मार्क करवा दूँगा, यानी कि निशान लगा दूँगा कि कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव बन सकती हैं। ये चैप्टर फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव हैं स्टूडेंट। ये सामने आप लोगों को नज़र आ गई होंगी, द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड डैश। इस तरह ये नीचे मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं और मुख्तलिफ़ बोर्ड के अंदर आ चुकी हैं ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। इनको आप लोगों ने लाजमी क्या करना है, देखना है। ये थी फर्स्ट चैप्टर की ऑब्जेक्टिव, ये सामने आप लोगों को नज़र आ रही है। इसके बाद मैं आप लोगों को सेकेंड चैप्टर की और 7th चैप्टर तक जो तमाम ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों को बता सकता हूँ। किस किस्म के ऑब्जेक्टिव आएंगे इससे आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं मैथ के अंदर। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो आप लोग ज़रूर मुझे बता सकते हैं जी। 36 ऑब्जेक्टिव हो गई हैं। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, उसके बाद 37 सब्जेक्टिव ये है आप लोगों के पास। आगे 38-39 ऐसे आप टोटल ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर की ऑब्जेक्टिव थी। अब हम सेकंड चैप्टर की ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये सेकंड चैप्टर की ऑब्जेक्टिव है। ये सारे ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, 2.1 से लेकर 2.8 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकती हैं ये सामने हमने बनाई हुई हैं। ये ऑब्जेक्टिव चेन रूल वाले ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, एफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर एफ एक्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं बनी हुई हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं व्यूअर। ये सामने देख रहे हो ऑब्जेक्टिव, इस तरह आप लोगों को पता चल जाएगा या जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि आप लोगों की तैयारी कितना है। उसके बाद ये भी कुछ ऑब्जेक्टिव बाकी हैं 18 से। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं व्यवहार। ये 30 है, उसके बाद 31 ये सीरीज वाला भी पूछ सकता है, सीरीज का एक्सपेंशन कौन सा होता है। ये डिफरेंट लिमिट वगैरह ये सारा स्टेशनरी पॉइंट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये सारे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये थी दूसरे चैप्टर की। इसके बाद है तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है तीसरा, ये सबसे पहले इसकी ये ऑब्जेक्टिव है, फिर सेकेंड ऑब्जेक्टिव, फिर थर्ड, फोर्थ। इसके अलावा आप बुक से भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। ये सामने नज़र आ रहा है आपको ऑब्जेक्टिव, ये तीसरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ईयर की मैथ है। पंजाब बोर्ड के जितने भी बोर्ड हैं या फेडरल बोर्ड है तमाम के अंदर बुक सेम है। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, आप लोगों ने इनको लाजमी देखना है और देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव की आपको कितनी आपके कितनी तैयारी है ऑब्जेक्टिव की। ये लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये तीसरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव है।
इसके अलावा चैप्टर फोर की बात करते हैं। चैप्टर फोर की ये ऑब्जेक्टिव आपको नज़र आ रही होंगी सामने। चैप्टर फोर की ऑब्जेक्टिव है सेकेंड ईयर की मैथ है, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। आप लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव को लाजमी रीड करना है ताकि आप लोगों की क्या हो जाए, अच्छी तैयारी हो जाए। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई मुश्किल पेश हो रही हो तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल में ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सेंड कर दूँगा। व्हाट्सएप पे कहेंगे या किसी और नंबर पे आप लोगों को मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथे के चैप्टर के बाद पांचवें चैप्टर की अभी ऑब्जेक्टिव हैं, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव हैं, इनको भी लाजमी करना है आप लोगों ने। बता चुका हूँ अगर किसी व्यूअर को परेशानी हो रही है वीडियो देखने में या यहाँ पे, तो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल में ये जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोग अच्छी तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव की। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट लाजमी किया करें ताकि आप लोग को उसके मुताबिक आप लोगों के ऑब्जेक्टिव बने। इसके बाद छठे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव हैं, सिक्स चैप्टर की ये ऑब्जेक्टिव है। ये भी क्या है, सिक्स चैप्टर की स्टार्ट से ऑब्जेक्टिव हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव की। इसके अलावा मैंने बता चुका हूँ कि किसी व्यूअर को कोई परेशानी है तो वेबसाइट भी बता दूँगा, या आप लोगों को पीडीएफ फाइल में चाहिए ऑब्जेक्टिव और भी तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी मेरी आईडी है कंसेप्ट की दुनिया से, आप लोग वहाँ पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कंसेप्ट की दुनिया से। इसके अलावा लास्ट चैप्टर है सेवन, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वी इज़ डिफाइंड। कौन सा होता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमेशा क्या होता है, गिवन वेक्टर बटे क्या होता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है। टू अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं उनमें से माइनस करना है और मैग्नीट्यूड लेनी, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं वैसे, आप लोगों को पता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, आप लोग देख सकते हैं सेवन चैप्टर की और लास्ट चैप्टर की ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ट्वेल्थ क्लास की मैथ है फर्स्ट सेकेंड ईयर की मैथ है, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए है। अब लास्ट एक पेज है सेवन चैप्टर का, आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव को भी देख सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास कम दिन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।